हमारे देश के जितने राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो प्रदेश है उसका नाम उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से लगकर बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग पूरे भारत में ही नहीं दुनिया के दूसरे कंट्रियों में भी मिलेंगे। कोरोना की महामारी में महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की तरफ वहाँ के रहने वाले लोग पैदल गए, गाड़ियों से गए, जैसे भी गए, बिहार गए। आज तीसरा दिन एक बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश से, विकास दुबे। नाम तो है विकास दुबे, यानी विकास का काम करना चाहिए, मगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो घटना अभी कानपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर बिकरू गाँव में घटी है, तो उस हिसाब से ये आदमी विकास का काम कम, विनाश का काम ज़्यादा कर रहा है। और इस आदमी का नाम विकास के बजाय विनाश ही होना चाहिए। बहरहाल, विकास दुबे की हरकतों के कारण, और इसमें कुछ पुलिस वाले कानपुर के और बिकरू गांव जो है उसके आसपास के जो थाने हैं वहां के पुलिस वाले मिले हुए थे, और पूरी दुनिया देख रही है कि एक विकास यादव ने 8 पुलिस वालों को मार दिया, शहीद कर दिया, और कई पुलिस वाले घायल हैं। कई पुलिस वाले उस वक्त जब फायरिंग शुरू हुई विकास यादव दुबे के घर से, तो मैदान छोड़कर भाग गए, और एक थाने का जो इंचार्ज था वो ठीक पीछे पीछे था। अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे जांच के लिए अपने ताबे में ले लिया है, अपने कस्टडी में लिया हुआ है, और उत्तर प्रदेश एसटीएफ उससे पूछताछ कर रही है। असल में विकास दुबे की जो कहानी है, अगर देखेंगे जो लोग उत्तर प्रदेश को समझते हैं, बिहार को समझते हैं, वहाँ के जो हालात हैं, मैं 1999 में बिहार गया था लालू प्रसाद की लड़की मीसा भारती की शादी में। वहाँ लालू प्रसाद के साले साधु यादव या इस तरह के कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मेरे साथ में भिवंडी के और 3 लोग थे। वहाँ का जो मैंने राजकरण देखा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों का भी जो राजकरण मैंने खुद देखा है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में या बिहार की राजनीति में वहाँ के नेताओं का दबदबा इतना ज़्यादा है और इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि शासन प्रशासन माने कुछ भी नहीं। अजय विष्ट यानी हमारे जो योगी जी हैं फिलहाल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि या तो भाग जाओ या तो सुधर जाओ, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। विकास दुबे जैसे लोग उत्तर प्रदेश में विनाश का काम कर रहे हैं। लखनऊ में दारुल शिफा है, यानी अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जो आमदार हाउस होता है इस तरह से, वहाँ दारुल शिफा है, और दारुल शिफा भी मैंने देखा है लखनऊ में। वहाँ मेरे एक दोस्त ने जब कुछ लोगों का परिचय कराया तो बताया कि देखो ये फला इलाके के MLA हैं, इनके ऊपर 100 मर्डर का केस है, इनके ऊपर 50 मर्डर का केस है, इनके ऊपर 150 मर्डर का केस है। ऐसे लोग वहाँ की सत्ता में विराजमान है, और आज की भारतीय जनता पार्टी वाली जो उत्तर प्रदेश की सरकार है इसमें भी हैं, और आज से पहले चाहे समाजवादी की रही हो या बहुजन समाज पार्टी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, सब में रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए या बिहार के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है, बाहुबली वहाँ एक नहीं हज़ारों की तादाद में है। इन बाहुबलियों की वजह से लोगों का काम कम होता है और जान ज़्यादा जाती है। बहरहाल, कानपुर की जो घटना है, हालांकि कानपुर एशिया का सबसे बड़ा चमड़े का कारोबार का एक बड़ा बाजार है, और वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह के डॉन मौजूद हैं, और ख़ास बात यह है कि जहाँ कारोबारी क्षेत्र है वहाँ इस तरह के डॉन मिलेंगे ही। मगर एक सवाल था कि जब महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या हुई, तो योगी जी ने उद्धव ठाकरे जी से बात करके कहा था कि ये गलत हो रहा है, साधु संतों के साथ जो अन्याय हुआ है महाराष्ट्र में वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आप कार्रवाई कीजिए। तो क्या अब वक्त आ गया है कि उद्धव ठाकरे जी योगी जी से पूछें कि पुलिस के ऊपर जो अन्याय हुआ है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि पुलिस समाज का वो हिस्सा है जिसकी ज़रूरत हर वक्त यानी 24 घंटा
साल के 365 दिन रहती है। तो दूसरों के ऊपर टिप्पणी करने से पहले हमें, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी जी हों या कोई भी हो, उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है बिकरू गाँव को लेकर, कानपुर उत्तर प्रदेश को लेकर, और एक विकास यादव को ढूंढने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी हुई है, उत्तर प्रदेश की स्पेशल टीम है वो लगी हुई है। मगर सवाल उठता है कि जो लोग कहीं पत्थर मारते हुए मिल जाए तो उनके ऊपर NSA लगाया जाएगा, क्योंकि उनका शायद नाम मुस्लिम नाम होगा। और इतनी बड़ी हत्या का मामला हो गया, मुख्यमंत्री अब तक नहीं बोले, उन्होंने वहाँ के IG से कहा कि तुम ये अनाउंसमेंट करो। और जो जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, गोदी मीडिया मतलब हर दौर में सरकार जो है मीडिया के कुछ लोगों को गोद लिए रहती है, मगर फिलहाल ये जो गोदी मीडिया ही अलग है, खामोश है। अगर यही किसी दूसरी कम्युनिटी के लोगों की तरफ से की गई होती, हालांकि इस देश में इतनी हिम्मत नहीं है कि लोग करें, जिन्हें हिम्मत है उन्होंने किया और करके दिखाया है, कानून को तोड़ा है, कानून के रखवालों को शहीद किया है, तो मीडिया खामोश है, देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं। एक तरफ चाइना हमारे जवानों की जान लेकर उन्हें शहीद कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे अंदर डॉन पुलिस के जवानों की जान लेकर उन्हें शहीद करके फरार हैं। सवाल उठता है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वाली जितनी भी सरकारें हैं, सवाल वहीं क्यों है? व्हाट्सएप पे देखा जाए, फेसबुक पे देखा जाए तो अंधभक्त भी बहुत हैं, मगर अब कोई कहने को तैयार नहीं कि विकास दुबे ने ये गलत किया है। पुलिस वालों को शहीद करने की जो हरकत, ये कायराना जो मामला हुआ है, ये गलत है। इन्हें इतनी फिक्र है कि केरला में जो हाथी को पटाखे खिला दिए गए थे जिसके कारण हाथी की मौत हो गई, उसकी फिक्र है कि केरला सरकार फिक्र नहीं कर रही है। और यहाँ चिराग तले अंधेरा है, एक डॉन अपने साथियों के साथ मिलकर उस गांव में अंधेरे का फायदा उठाकर, और कहीं ना कहीं पुलिस की जो खबरी का मामला हुआ वो मिलाकर शहीदों, पुलिस वालों को शहीद किया जाता है। और बड़ी बात यह है कि कुछ चैनलों पर यह दिखाया गया कि विकास दुबे के पिता कह रहे हैं कि मैं तो घर में ही था मगर मेरी तबीयत खराब थी, मैंने गोली की आवाज़ नहीं सुनी, और कानून अपना काम करेगा, अपना फैसला करेगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश पुलिस ने दुश्मनी को निभाते हुए उसी JCP से विकास दुबे के उस बंकरनुमा घर को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, उनकी कारों को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है, मगर कहीं ना कहीं सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो बाहुबली हैं इन्हीं के कारण वहाँ का जो आम इंसान है, बिहार में जो बाहुबली है उन्हीं के कारण वहाँ का आम इंसान भारत के दूसरे स्टेटों में, दूसरे राज्यों में जाकर मेहनत मजदूरी करता है, क्योंकि इनका बाहुबली का जो मामला है, भैया का जो उनका रोल है, वो बहुत से लोगों को दुख देता है, या जान जाती है या धन जाता है। इसकी सरकार और बिहार की सरकार को ये सोचना चाहिए कि बिहार के लोग पूरे हिंदुस्तान में क्यों मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, जिसे ये कहा जाता है कि भारत की राजनीति में अगर किसी को दिल्ली जाना है तो उत्तर प्रदेश होकर जाना होगा, और उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी जिंदा मिसाल हैं कि उन्होंने बनारस से चुनाव लड़कर उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली का सफ़र पूरा किया और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की ये हालत दुखदायक है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोग भी महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों में जाकर कारोबार करते हैं। मैं कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश गया था, वहाँ के अच्छे सीधे साधे लोगों ने उत्तर प्रदेश के कई इलाकों को छोड़कर लखनऊ या इस तरह के ठिकानों पर अपने कारोबार को शुरू कर दिया या वहाँ रहने भी चले गए। तो क्यों, सवाल उठता है, हम दूसरे प्रदेशों में जाकर उस प्रदेश को ताकत देते हैं, उस प्रदेश की मशीनरी को चलाते हैं, मगर अपने प्रदेश में काम नहीं है, क्यों नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत है। मैं सलमान मेमन के साथ खान फख्र।